Ladies and gentlemen, very warm welcome to 126th module, where we are going to discuss about the purposeful innovation. What is purposeful innovation? This is very much important, uh, stressable point. What is purposeful innovation? Innovation is innovation, isn't it? Uh, anything I mean, discovered anything I mean, never mean heard is innovation, uh, or Anything new, process comes in your life, or new comes, uh, new process comes in your mechanism, or in a machinic view. So, that is what we call it innovation, isn't it? So, what is purposeful innovation? Purposeful innovation is that every mineral is a rock, unless I define it that it is a premium pink salt which gives you health, which gives you energy which gives you cardiac relief problem which gives you healthy kidneys i mean 260 plus benefits in your body then you will consider that salt as a purposeful innovation then you can call it that pink salt as a mineral a purposeful mineral and then you cannot say that its every mineral is a salt so यही हमने जो बात की इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ आंटरप्रनशिप एंड देन इनोवेशन इन डीड क्रिएट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लास्टिक है इट वाज uh, I mean, क्या वो हमारे लिए इतना ही पर्पजफुल था उसके बाद हमारे लिए पेपर आ गया पेपर के बाद हमारे लिए पेन आ गया पेन के लिए हमारे पास बहुत सारी और चीजें आ गई फिर हमने जैसे मैंने एग्जाम्पल दी आपकी जड़ी बूटियाँ आ गई कोई भी चीज़ आपका जो है वो ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा या इरिटेशन आपकी नहीं ख़त्म कर सकती जो वो एक जुशांदा आपको कर देता है इसका मतलब है कि वो जो एक ज़माने में सन्यास हुआ करता था और उसमें जो हुक्म थे हकीम लोग थे तो वो बूटियाँ जमा करते थे एक बूटी की तहकीक करते थे और उस बूटी का नाम जो वो जो भी देते थे तो बेशुमार बूटियाँ जमा करके लोग उनको कहा करते थे कि बस इनके पास बेवक का टाइम है देर गेटिंग इन टू रिसर्च बट इट वॉज अ इनोवेशन देखो एक ऐसी जड़ी बूटी यानी एक दार चीनी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके गले के अंदर वो वो जख्म इम्प्रूव होता है अगर आप देखें आ, अंग्रेजी में हल्दी को बहुत कुछ कहा जाता है तो अगर हल्दी जो है वो आपके जख्म के लिए बेहतरीन किस्म की एक चीज़ है आपके वो जख्म जो इंटरनल आपकी जो वाउंडस हैं वो इतनी जल्दी हील होते हैं कि यू कांट इवन इमेजन के वो जो पेन किलर्स हैं

तो मैं उसको आप उसको सच भी कीजिएगा उसके अंदर आप ये समझिए फार्मर्स अपना बीज बोते थे फसल उगाते थे और वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन उसमें हुआ क्या कि वो फार्मर्स जो थे वो मुश्किल से अपनी फसल को काश करते थे आधे से ज़्यादा ज़ाया हो जाती थी पेस्टिसाइड्स आते थे या जो भी कुछ होता था लेकिन हल चलाने के लिए उनको मशीन भी रिक्वायर्ड थी बाकी और चीज़ें भी रिक्वायर्ड थी वो नहीं कर सकें उनके बारे में क्या अच्छा ये हल चला लेना यह ज़मीन को और ज़्यादा पुख्ता कर देना ये एक किस्म की तो आप इनोवेशन कह सकते हैं लेकिन उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे क्योंकि परचेज पावर पैरिटी के मुताबिक हम मुल्कों की परचेस पावर पैरिटी भी देखें तो हमें देखना होगा कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी क्या है करंटली अगर मैं देखूँ पाकिस्तान की टू ट्रिलियन से ऊपर होनी चाहिए टू ट्रिलियन डॉलर से ऊपर होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान वन ट्रिलियन के ऊपर है यानी अगर हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग साइड के ऊपर तो इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना होगा और वो कैसे करेंगे हम इस इनोवेशन से करेंगे वो इनोवेशन कर अच्छा, साथ। साथ कि बैंकिंग चैनल अटैच किए और बैंक से उनको ऐसे कर्जा जात दे दिए जो स्पेसिफिक टू मशीनरी थे यानी इस ही मशीनरी के ऊपर अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं जैसे हम एक बोलते हैं टारगेटेड आप डू गिव द टारगेटेड लोन्स कमर्शियलाइजेशन के लिए आज की सेंचुरी का मैं बेस्ट रिजल्ट बैंक को भी देना चाहता हूं कि टारगेटेड लोन्स दें जिस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है वो चीज आप खरीद कर देंगे अदरवाइज तो उसके नाम पर खरीदा जाएगा वो कर्ज की सूरत में वो ले लेगा उससे अपनी भूख मिटाएगा कर्जा देगा एंड देन आपके सामने आपको कर्जे हंसना यानी हंस के दिखा देगा तो यूजफुल नॉलेज इज दैट कि आपने देख लिया आपने स्पेसिफिक टारगेट आपने ट्रैक्टर दे दिए आपने मशीनरी दे दी हल चलाने वाले आपके बाकी आ, टूल्स दे दिए उससे रिजल्ट ये हुआ कि फार्मिंग के अंदर बेहतरीन इजाफा हुआ अब यहां पर क्या हुआ मैंने फंड ऐड करवाया मैंने बताया आपको कि यहां पर जब आप फंड ऐड करते हैं देन आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आपकी हार्वेस्टिंग बढ़ेगी देन उसी से आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा देन मूविंग ऑन टू द मैनेजमेंट दैट इज नॉलेज इज एनी नॉलेज इज यूजफुलिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एवर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज द मेरा सबसे बड़ा मसला इस टाइम पर सब यूथ के साथ ये है कि दे ऑलवेज आस्क इवेंट क्वेश्चन अच्छा एक जमाना था कि लोग कहते थे क्या कोई भी सवाल करें पिछला तकरीबन दस साल पहले सवाल किए जाए जहन खुलते हैं यू ऑलवेज पुटिंग अप द रोंग क्वेश्चन

का पिलो एंड स्लीप ताकि आप रिलैक्स हो और फिर आपका जो ड्राइवर है जो अपना काम करे उसको अपना काम करने दें आपके लिए यूजफुल नॉलेज रेस्ट है जो आपकी मूवमेंट है, है आप उसके हिसाब से चलिए आपने फोकस होना आई एम गोइंग टू गिव यू अट्जाम्पल फॉर टूडे नाव ये कि आपने ब्लाइंडर लगा लीजिए जैसे घोड़े में आपने अक्सर देखा होगा जो आपको सवारी का घोड़ा या रेस का घोड़ा में आप देखते हैं उसका राइट और लेफ्ट नहीं देख सकते इसलिए क्योंकि उसका फोकस इधर से उधर ना हो जाए जब उसका फोकस इधर से उधर नहीं होगा वो सिर्फ अपनी स्पीड पर फोकस करेगा एंड वो हर वक्त उतना ही नॉलेज अप्लाई करेगा मसलन उसे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ी देर स्पीड बढ़ा देनी चाहिए और तकरीबन एक किलोमीटर अगर मैं तेज स्पीड में जाता हूं तो उसके बाद मैं थोड़ा रन रनअप स्लो कर दूंगा अपनी ब्रीद बहाल करूंगा एंड देन आई टेक अ मोर पाथ्स सो इसको कहते हैं यूजफुल नॉलेज आपके एरिया के अंदर आपकी फार्मिंग के अंदर फार्मिंग है तो फार्मिंग के रेलिवेंट बात करें आप एप्स बना रहे हैं तो एप्स से रेलीवेंट बात करें आप चीज बना रहे हैं तो चीजों से रेलीवेंट बात करें जो आपकी जिंदगी के सब्जेक्ट्स हैं आपने अपनी जिंदगी के जग को बेशुमार बेशुमारंकरियों से भर रखा है तो जो आपके प्रायोरिटी स्टोन्स हैं this is what he' is saying that enables man for the first time to render productive people of the different skill and knowledge working together in an organization is an innovation of this century thank you very much